सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में कुकी आदिवासियों को सेना की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने 3 जुलाई को सुनवाई की अगली तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा के शिकार हुए कुकी आदिवासियों के लिए सेना की सुरक्षा की मांग पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। मणिपुर की अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक कुकी आदिवासियों के लिए सैन्य सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की गई थी। आज हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 3 जुलाई मुकर्रर की है। खास बात यह है कि सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग का विरोध किया, जिस पर बचाव पक्ष ने ऐतराज जताया। जो विक्टिम्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन लगाई थी और उसकी सुनवाई के लिए हमने मेंशनिंग किया था और कोर्ट ने वो वेकेशन के लिए तो वो जो हमारी रिक्वेस्ट थी उसको खारिज कर दिया है, लेकिन जो मेन मैटर जो 17 जुलाई को सुनने वाला था उसको कोर्ट ने 3 जुलाई के लिए प्रीपोन कर दिया। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मणिपुर में सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लिहाजा सुनवाई की अगली तारीख अदालत की छुट्टियों के बाद ही दी जाए। मणिपुर में करीब 1 महीने से जारी हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 50,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं।